नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों सिंघम अगेन का जो नया पोस्टर है उसके रिव्यू में आपका स्वागत करता हूँ। हम सभी आज सिंघम अगेन के ट्रेलर का इंतजार कर रहे हैं और दोस्तों बहुत बड़ी ये इवेंट होने वाली है, बहुत जबरदस्त इवेंट होगी और बहुत बड़ी संख्या में फैंस वहां पे पहुंचने लगे हैं। और दोस्तों उनका क्या क्या उन्होंने लुक बनाया है, किस तरह से उन्होंने अपना हेयर स्टाइल है वो सिंघम की सिंघम लिखा रखा, मतलब बालों पे मतलब कटिंग करके, और किस प्रकार से मतलब इस फिल्म का क्रेज है, क्या ये बहुत बड़ी हाइप के साथ ये फिल्म आ रही है दोस्तों। तो इसका एक पोस्टर आया, ऑफिशियल पोस्टर आया, उसके रिव्यू में आपका हार्दिक रूप से स्वागत करता हूँ। काफी जबरदस्त पोस्टर है, अजय देवगन सर यहाँ पे दाढ़ी वाले लुक में नजर आ रहे हैं, बहुत ही डेंजरस उनका लुक है और लुक कहा जा रहा है कि अजय देवगन सर के इसमें दो तीन लुक आने वाले हैं। एक लुक उनका पाकिस्तान जाने वाला होगा जिसमें वो दाढ़ी में नजर आएंगे, बड़ी दाढ़ी में किस प्रकार से पाकिस्तान से आतंकवादी को पकड़ करके लाएंगे। इसके अलावा दोस्तों इनकी जो कहानी है वो दोस्तों श्रीलंका भी ट्रेवल करेगी, श्रीलंका में भी ये सिंघम की पूरी टीम मतलब भगवान श्री राम की सेना, क्योंकि ये रामायण से प्रेरित हुई है। तो अजय देवगन सर, अक्षय सर, रणवीर सिंह और इसके अलावा दोस्तों टाइगर श्रॉफ वगैरह, दीपिका पादुकोण, ये सब किस प्रकार से वहां पे श्रीलंका भी जाते हैं और रावण रूपी अर्जुन कपूर से मुकाबला करते हैं, ये काफी देखना काफी जबरदस्त होगा, काफी दिलचस्प होगा। तो पोस्टर काफी जबरदस्त है जिसमें सभी कलाकार फुल पैक्ड एक्शन करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें अजय देवगन सर, अक्षय कुमार सर का जबरदस्त लुक है। इसके अलावा दोस्तों सिम्बा रणवीर सिंह नजर आ रहे हैं और दोस्तों टाइगर श्रॉफ दीपिका पादुकोण है। तो काफी जबरदस्त मतलब ये पोस्टर नजर आ रहा है, ऑफिशियल पोस्टर है और बहुत बड़ी हाइप हो गई शायद ही किसी फिल्म की। गदर 2 की मैंने ऐसी हाइप देखी थी, मतलब जिस समय यह फिल्म रिलीज हुई थी, तो वैसी हाइप अगर बन जाती है पूरी सिंघम अगेन की भी इस समय दिवाली का मौका है, तो फिर दोस्तों ये फिल्म कितना भी कलेक्शन कर सकती है, सारे रिकॉर्ड धराशायी कर सकती है और मुझे लगता है बहुत बड़ी है ओपनिंग लेगी। और इसी को देखते हुए लगता है कहीं ना कहीं कि बुलबुलाए 3 पोस्टपोन भी हो सकती है। ऐसी खबरें भी लगातार चल रही है कि क्या सिंघम अगेन की इस हाइप के आगे, इस हाइप के कारण ही बुलबुलाए 3 के मेकर्स ने पोस्टर जारी, जो ट्रेलर आने वाला था उनको 6 तारीख को, वो इसीलिए जारी नहीं किया क्योंकि बहुत बड़ी हाइप के साथ सिंघम अगेन आ रही है। और ट्रेलर आने के बाद में विश्वास कीजिएगा कि हाइप 2 गुनी 4 गुनी नहीं 5 गुनी 10 गुनी बढ़ सकती है। तो बहुत बड़ा इसका एक ट्रेलर इवेंट है वो चल रहा है इस समय और पोस्टर ऑफिशियल आ गया है जो काफी ज्यादा पसंद किया जा रहा है, बहुत ज्यादा माइंड ब्लोइंग सुपर एक्शन से भरपूर ये पोस्टर नजर आ रहा है। तो अब किस प्रकार से ये फिल्म आगे जाती है, किस प्रकार से बुलबुलाए 3 आती है या नहीं आती है, आती है तो कब आती है, काफी एक संशय के घेरे में है क्योंकि ये पाकिस्तान ट्रेवल करेगी, श्रीलंका ट्रेवल करेगी और बहुत जबरदस्त एक्शन के साथ इसका ट्रेलर आने वाला, बहुत जबरदस्ती है, एक विजुअल्स आपको देखने को मिलेगा, बीजीएम बहुत जबरदस्त है, ट्रेलर रिव्यू आप देखना। तो बड़ी हाइप के साथ बड़ी ही जबरदस्त एक जबरदस्त तरीके से आपके दिल में ये दस्तक देने सिंघम अगेन बाजीराव सिंघम आ रहा है। और अब तो बहुत कम टाइम बचा है, कभी भी ट्रेलर रिलीज हो सकता है, 1 बजे के आसपास ट्रेलर रिलीज होना चाहिए, तो तुरंत आपको रिव्यू इस चैनल पर मिलेगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और जैसे इसके बारे में लगातार अपडेट्स आएंगे तो मैं आपको लगातार जानकारी दूंगा। फैंस पहुंचना शुरू हो गए हैं और इवेंट के लिए बड़ी संख्या में फैंस और मीडिया कर्मी इकट्ठा होने वाले हैं। उसके बाद में ट्रेलर लॉन्च होगा, फिल्म की सारी स्टार कास्ट वहां मौजूद रहने वाली है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, देखते हैं सिंघम अगेन क्या क्या तबाही बॉक्स ऑफिस पर लाता है। जय श्री राम जी।